मैं हूं नफीसा खान और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। शाहरुख खान की फिल्म रईस में सनी लियोनी का गाना लैला मलैला काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा है और इस फिल्म यानी कि रईस को दर्शक देख पाएंगे 25 जनवरी को सिनेमा हॉल में जब ये फिल्म रिलीज होगी। इसी दिन ऋतिक रोशन की फिल्म काबिल भी रिलीज हो रही है, लेकिन क्या आपको पता है कि अगर इन दोनों फिल्मों में रिलीज डेट को लेकर कोई विवाद ना होता तो सनी लियोनी रईस ही नहीं काबिल में भी डांस नंबर करती दिखती। खबर है कि काबिल के निर्देशक संजय गुप्ता चाहते थे कि उनकी फिल्म में सनी लियोनी पर एक डांस फिल्माया जाए। शूटआउट 8 वडाला में भी उन्होंने सनी का एक हॉट गीत रखा था। संजय ने इसके लिए सनी से बातचीत भी की। इसी बीच सनी ने रईस में शाहरुख के साथ लैला गाना भी कर लिया। तब तक ये माना जा रहा था कि सनी का काबिल में एक गाना होगा, लेकिन इसी बीच रईस के मेकर्स ने घोषणा कर दी कि वो अपनी फिल्म काबिल के सामने प्रदर्शित करेंगे। अब एक ही दिन प्रदर्शित होने वाली दोनों फिल्मों में सनी लियोनी का गाना कैसे हो सकता था, इसीलिए काबिल के आइटम नंबर से सनी लियोनी को हाथ धोना पड़ा और फिर ये गाना उर्वशी राउतेला के हिस्से में आ गया। सारा जमाना उन पर फिल्माया गया। इस वक्त लैला और सारा जमाना इन दोनों गानों की ही काफ़ी धूम है। तो ये थी खबर कि किस तरह सनी लियोनी के हाथ में आते आते रह गया फिल्म काबिल का आइटम सॉन्ग। फिलहाल इसी खबर के साथ फिल्मी बीट में बस इतना ही।